Dear students of 10th class, today we will discuss one of the important question of the same exercise 5.2 of the same chapter arithmetic progression. इससे पहले कि हम इस question को solve करें इस lecture में, dear students subscribe my channel ताकि आने वाली हर नई video आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और video share कर लेना ताकि दूसरे जो 10th class के बच्चे हैं वो भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके. Now we discuss today's topic जिसमें हम question number 10 discuss करने वाले हैं of the exercise 5.2 of same topic arithmetic progression. Question is here, if 17th term of an arithmetic progression. हमारे पास एक given arithmetic progression है, उसकी 17th term जो है, 17वीं term जो है उसकी exceeds its 10th term, उसी arithmetic progression की 10th term को वो exceed हो रहा है. किसका value? 17th term का value ज्यादा आ रहा है 10th term से by 7. Means 17th term का value 7 ज्यादा हो रहा है 10th term of the given arithmetic progression. We have to find the common difference. हमारे पास यहां पे common difference ढूंढनी है. As we know in previous lecture, common difference is denoted by D and first term is denoted by A by of a given arithmetic progression. इसी तरह यहां पे भी अब हम इसका solution देंगे. Solution. We know the general term of an arithmetic progression is a plus n minus 1 into d. ये हम जानते हैं कि it is an. An is an term. Solution. We know an is equal to a plus n minus 1 into d. As an is an term, a is first term and d is common difference. इसी d का हमें value देखना है, लेकिन उसके लिए जो गिवन कंडीशन है हमारे पास 17वीं टर्म है, 17th टर्म हमारे पास और 10th टर्म वो भी हमें मिल सकती है और जो 17th टर्म उसका वैल्यू 10th टर्म से ज्यादा कितना है 7. इस तरह भी हम कह सकते हैं अगर हमारे पास 17th टर्म दैट इज n, we have to take n is equal to 17, that is a 17, and 10th term that is a 10. Ab 17th term exceeds 10th term by 7, that is in do terms ka jo difference hai that is 7. Is tarah bhi aap likh sakte, a given condition hai. Yahan is tarah 17th term it is equal to a 10th term, ये ज्यादा हो रहा है 7 value, इस term का value जो है वो 7 ज्यादा हो रहा है 10th term से, वो आप यहां पे add कर सकते हैं. ये भी given condition है, ये भी आपके पास given condition है, ये भी आपके पास given condition है. आप यहां a 17 में से 7 निकाल दो, that is equal to a 10, वो भी given condition है. इस तरह भी आप इसको ले सकते हैं, a 17 minus 7 जो अक्सी ज्यादा हो रहा है किसे 10 से, ए 10. ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, इसी को हमें लेके जाना है. वी गेट द कॉमन डिफरेंस, बट वी हैव वी नो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी. अब यहां तक या यहां तक या यहां तक जो आप चाहे इसको भी ले सकते हैं, इस वाले को भी ले सकते हैं, इस वाले को भी ले सकते. चलो मान के ये लेंगे हम, तब जाके हमें ए 17 का वैल्यू देखना है, ए 10 का भी वैल्यू देखना है, वो हमें यहां से मिलेगा. दिस इंप्लाइज ए 17 इट इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ना ही हमारे पास फर्स्ट टर्म उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ना ही कॉमन डिफरेंस. वी कैन राइट दिस एज a प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16d. ये वैल्यू है 17th टर्म का. ऑल्सो अब 10th टर्म हम देख लेंगे, दैट इज a 10th, इसी में से n का वैल्यू 10 ले लीजिए. a 10 हमारे पास मिलेगा, शाबाश,
dear student, we have a plus n minus 1, but n is here 10. That is 10 minus 1 into d. That is equal to a plus 9d. ये हमारे पास 17th टर्म का वैल्यू है, ये हमारे पास 10th टर्म का वैल्यू है. बाय क्वेश्चन वी हैव आइदर दिस, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं. जो आप चाहे वो ले सकते हैं. चलो फर्स्ट वन से या सेकंड वन जो आपके मन में हो, चलो सेकंड वन या फर्स्ट वन ले लेंगे, फर्स्ट वन ही ले लेंगे. ए 17 यहां पे वैल्यू है. By question, by given condition, by given condition, given condition से क्या मिलेगा हमें? Dear students, we have a 17 minus a 10, it is equal to हमारे पास 7. ये given condition. अब ये given condition से a 17 का value हमारे पास ये है. That is a plus 16d. माइनस ए टेन, माइनस ए टेन, ए टेन इज ए प्लस 90, ए प्लस 90 किसके बराबर है? इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 7 के बराबर है. नाउ दैट इज ये ए यहां पे माइनस ए कैंसल होगा, इट इज नाउ हियर 16d माइनस 90, क्योंकि माइनस है ये ए माइनस नेगेटिव होगा, ये प्लस ए से कैंसिल होगा. 16d माइनस इंटू 90 दैट इज माइनस 90, इट इज इक्वल टू 7. 16d में से 90 चला जाएगा, वी गेट हियर 7d, इट इज इक्वल टू 7. और डी इज इक्वल टू 7/7 दैट इज इक्वल टू 1. Therefore, common difference जो आ गया हमारे पास, common difference of the AP जो हमारे पास given arithmetic progression है of the AP, it is equal to now here 1. इस तरह इस question को हमने simplify किया है. Thank you, have a nice day.